तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेडी एडवेंचर में। आज हम बताने वाले हैं कैनन 200D बेस्ट सेटिंग्स। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अपना कैमरा ऑन कर लेना होगा और ऑन करने के बाद आपको लाना है ये मैनुअल मोड पर। आपको दिख रहा होगा एम मैनुअल मोड पर लाना होगा और एम पर करने के बाद सिंपली आपको स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद ये एक छोटा सा बटन है, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नॉर्मली स्क्रीन आ जाएगी। आपको तीन बेसिक सी सेटिंग कर लेनी है, ISO, शटर स्पीड और अपर्चर। सबसे पहले हम करते हैं ISO। ISO आपको दिन में 100 से 200 के बीच में रख लेना है। बाकी आपकी जैसी लाइटिंग हो 200 या 400 तक भी आप रख सकते हो। जितना कम ISO होगा उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी आएगी। देन रात में आप 1600 से 3200 पर भी रख सकते हो। देन उसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर आप जितना कम रखोगे उतना बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा आएगा। मेरे में 5.6 है तो मैं 5.6 पर कर लेता हूँ। उसके बाद देन हमारा आता है शटर स्पीड। शटर स्पीड नॉर्मली 200 से 250 पे कर सकते हो। आप स्टैंडिंग में पोज कर रहे हो तो 200 से 250, बाकी आप रनिंग शॉट ले रहे हो तो आपको 500 से ऊपर ही रखना होगा। देन आप हमारी बेसिक से सेटिंग हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑटो फोकस एंड मैनुअल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मैनुअल पर फोटोज़ कैसे क्लिक करनी है। हमने कर लिया मैनुअल पर और मैनुअल पर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो सामने है। देन राइट साइड में एक छोटे से बटन को क्लिक करने के बाद जूम इन हो जाएगा। जूम इन करने के बाद जो हमारा ये होता है इसे स्क्रॉल करके फोकस होता है। देन अब आपको दिख रहा होगा जूम इन करने से फ़ायदा होता है, मैं बिल्कुल करेक्टली पता चल जाता है कि फोकस कैसा हो रहा है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि फोकस हो चुका है स्क्रॉल करने के बाद। फोकस होने के बाद हमें जूम आउट कर लेना। जूम आउट करने के बाद देन हमें फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना है। देन अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑटो फोकस की। हमने अपना कैमरा कर लिया है ऑटो फोकस पर और ऑटो फोकस पर करने के बाद हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ये ऊपर बटन दिख रहा होगा, बटन पर नॉर्मली हल्के से प्रेस करोगे तो हमारा कैमरा खुद फोकस कर लेगा और फोकस करने के बाद उसे हार्डली प्रेस करोगे तो फ़ोटो भी क्लिक कर लेगा।